हाँ बताइए कपिल जी। कुछ नहीं, आपका वो भी देख रहा था तो सुन रहा था, तो मैंने कहा एक पेटेंट हुआ था इससे पहले यूएस आप में, किस नाम, इससे पहले आप किस नाम से सत्यवार्ता, आए थे? सत्यवार्ता के नाम से। हाँ तो बताइए बताइए, जरा बताइए। तो एक पेटेंट है, जरा उसको देखेंगे, थोड़ा हमको भी समझाइए ये पेटेंट कैसे हो गया। यूएस का पेटेंट है 64100059। पेटेंट किसने करवाया, आपने उसका नाम पढ़ा? पढ़ डालिए ना, गूगल पे आप डाल के उसका डिटेल पढ़िए ना थोड़ा सा। अरे आप तो नहीं पढ़ा बताइए ना, जानकारी करके आए होंगे ना, जानकारी करके आएंगे ना भाई। हाँ, जानकारी करके आए ना, यूएस की गवर्नमेंट ने पेटेंट दिया है काउ यूरिन पे, तो कैसे दे दिया। अच्छा, पेटेंट होता क्या वैसे, पेटेंट होता क्या भाई, आप जानते हो? नहीं, हम देखिए कक्षा 12 पास से ज्यादा जानकारी है नहीं, तो थोड़ा सा आप ही लोग बता दीजिए। वैसे आपको भी किसी चीज का पेटेंट करवाना है क्या? अपनी पेशाब का अगर पेटेंट करवाना हो तो उसका भी हो जाएगा वैसे? हाँ, वो आप करा सकते हैं। टू द पॉइंट आइए, काहे आप बहस कर रहे हैं, टू द पॉइंट, ऐसे पेटेंट नहीं हो जाता, पेटेंट का एक प्रोसेस है। अरे कपिल भाई चुप जाओ जरा, नहीं हो पता तो थोड़ा सुन लिया करो। अगर आपको अपने यूरिन का पेटेंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हो, आप अपना भी मूत्र पी सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन है वैसे, पीना चाहिए आपको। क्यों पेटेंट हुआ जरा पढ़ेंगे उसको? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अरे मैं समझ गया, आप तो पेटेंट यार, क्या मूर्ख इंसान हो यार, पेटेंट से होता क्या है भाई, पेटेंट से होता क्या है मेरे भाई? अच्छा, पेटेंट से कुछ होता नहीं है। टाटा का लोगो जरा आप यूज करके दिखाओ यहाँ पे लिख के कि हम टाटा, हम आपसे हो गए, पेटेंट का कुछ मतलब नहीं होता है। ओ अनपढ़ भैया, ओ अनपढ़ भाई, ये तूने मंत्र लिखा है ना इस पे, ये पीपल के पत्ते पे, इस लोगों को भी पेटेंट करवा सकते हो तुम, जाके जाओ इसका भी, भाई हमारा लोगो पेटेंट करवा लो, उसे ये थोड़ी ना। हाँ तो इस, अरे तो भाई ये इसका मतलब ये होता, ओ मेरे भाई क्या मूर्ख इंसान हो यार, पेटेंट आप जाके अपना मूत्र करवा लो यार, इससे क्या हो जाएगा पेटेंट से? मैं बता रहा हूँ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, अगर मैं ये लोगो अपना रजिस्टर्ड कराऊंगा तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, पेटेंट वो होता है। क्या प्रोसेस और क्या इसका, रुको रुको, कोई अगर मेडिकल दवा है तो उसका अगर होता है तो पेटेंट होता है। शट अप, तो पेटेंट का मतलब क्या होता है भाई, पेटेंट जानते हो पेटेंट किस लिए करवाया जाता है, कि और कोई यूज ना कर पाए भाई। मैंने एक आपको बोला ना, यूएस पेटेंट 64100059। चुप जा भाई, ये नहीं मानेगा ये अनपढ़ गिरी, इस वाजपेयी ने बिल्कुल लाद रखी है भाई, इसका नाम है कपिल वाजपेयी। कपिल जी अभी देखिए, ये वही वाला पेटेंट मैंने खोला है, इसका इन्वेंटर के बारे में आप पढ़िए, देखिए सुमित सिंह, सुमन में, सुशील कुमार, अजीत कुमार शासने, जयशंकर आर्या, तो ये इंडियन सी है, कोई यूएस के लोग इसका पेटेंट नहीं किए हैं, भारतीय लोग जाके जो यूएस में रहते हैं उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि भाई ये देखिए लिखा, द इन्वेंशन रिलेट्स टू द नोवेल फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंप्राइजिंग एन इनएफेक्टिव अमाउंट ऑफ बायोएक्टिव फ्रैक्शन फ्रॉम काउ यूरिन डिस्टिलेट एज ए बायो अवेलेबिलिटी फैसिलिटेटर एंड फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल एडिटिव सिलेक्टेड फ्रॉम एंटी कैंसर कंपाउंड्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स, थेरेप्यूटिक एंड न्यूट्रासियोटिक एजेंट्स, आयंस एंड सिमिलर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर टारगेटेड टू द लिविंग सिस्टम्स। तो ये भारतीय लोगों ने ही की चीज की है। और अगर जो यूरिन होता है मैमल्स का, ठीक है, आप काऊ का ले लीजिए या दूसरे जानवरों का ले लीजिए, लगभग उसका जो कंपोनेंट्स रहता है लगभग सिमिलर रहता है। काऊ का यूरिन को ऐसा कोई अलग नहीं है कि वो मतलब अमृत है, इस टाइप से नहीं है। जो दूसरे मैमल्स होते हैं अगर आप इनका यूरिन की अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो लगभग सिमिलर है ये, मतलब ये साइंस के द्वारा ये, मतलब ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगी ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी पूरे इंडियंस लोगों ने ही इस चीज को पेटेंट कराया है, तो पेटेंट कराना कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इससे सवाल उठता है कि पेटेंट तो हो गया, इससे कितनी दवाइयां बनी, कितने एंटी कैंसर ड्रग्स बने, है ना, इतने साल हो गए, ये पेटेंट हुआ 2004 में, तो अभी 20 साल हो चुके हैं, तो 20 साल में इस पेटेंट से क्या फायदा हुआ ये हमको बताए। चलो मुझे और देखिए न्यूटन जी, असल में देखो पेटेंट का मतलब ये होता है कि लोग क्यों पेटेंट लेते हैं, सीधा सा मतलब होता है कि भाई वो उन्होंने कोई चीज, उन्होंने कुछ खोजा है भाई, उसकी वो इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए,
कि लीगली कोई और यूज करेगी तो उनके परमिशन लेनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, इसलिए लेनी पड़ेगी, बस इसलिए कराती है। और वो भी एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो वो इसलिए करवाते हैं कि भाई उसने किसी ने खोज की है, भाई इन्वेस्ट किया है उतना, तो कम से कम वो हायर प्राइस पे बेच सके किसी चीज को, जिससे कि उसने जो मेहनत की है और जो पैसा खर्च किया है वो अपना वो निकाल सके, इसलिए वो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पेटेंट होता है। तो भाई इसका आप पेटेंट, भाई आप बोल दो कि हमने अपने मूत्र पे बहुत रिसर्च किया, हमने बहुत अपने मूत्र को इसको खंगाला है और पिया है और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमने इसको एग्जामिन किया और ये हमारे लिए फायदेमंद है, जाके करा लो भाई, उनको क्या, आप पैसे दीजिए, आपका पेटेंट हो जाएगा। उसमें कोई ये थोड़ी ना कि भाई आपने खोज कर ली गई, भाई उससे कोई बहुत बड़ा वो हो गया कि पेटेंट करा लिया, मतलब ये ना लोगों को जो बिल्कुल मंद बुद्धि है ना, कुंद, जिनका दिमाग बिल्कुल गोबर भर चुका है, उनको मूर्ख बनाने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। तो भाई ये कपिल वाजपेयी जैसे लोग है ना, जिनको गोबर खा के और गौमूत्र पी के अभी तक बुद्धि का विकास हुआ नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पेटेंट करा लिया भाई। हाँ तो भाई बताएं कपिल भाई, पेटेंट से तो कुछ होता नहीं है। हाँ बोलो ना कपिल भाई, चुप क्यों हो गए यार? अरे भाई इनकी आवाज ही नहीं निकल रही क्या? अरे सो गए क्या भाई कपिल भाई? मेरे यूरिन का पेटेंट करा देंगे आप? बिल्कुल, मेरा मूत्र कैंसर में काम करता, मैंने कह दिया आप करवा दीजिए, मैं पेमेंट आपको सारा खर्चा करूंगा। अरे भाई हाँ बिल्कुल, आप पीने भी लगिए भाई, आप पीने भी लगिए, आप अपना मूत्र पी, अरे क्या अनपढ़ व्यक्ति है यार, इसको ये भी नहीं पता यार पेटेंट कैसे होता है यार। चुप जा भैया, चुप जा। पेटेंट वाला ये देख, मूत्र पीते थे भाई, ये भी ब्राह्मण थे भाई, मुरारजी देसाई, देख भारत के वो प्रधानमंत्री जो हर सुबह पीते थे अपना मूत्र, क्या वजह बताई जाती है। देख ले भैया, आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम में भेजा, उसका पढ़वाइए, ये तो पढ़वाई दीजिए, वो भी आप पढ़वा। हाँ चलो इससे ही पढ़वाते हैं भाई, ये तो अपना मूत्र पीते थे, तो चलो भाई इसको, इसकी चोंच खोलते हैं, ये पढ़ भैया स्क्रीन पे क्या लिखा है, ये अपना मूत्र क्यों पीते थे भाई, ये देख क्यों पीते थे अपना मूत्र मुरारजी देसाई, चलो पढ़ो भाई, हिंदी पढ़ना आती है कपिल? ओ भाई कहाँ सो जाता है यार, आवाज ही गायब हो जाती तेरी। नंबर ले लीजिए सर। अरे भाई पहले ये पढ़। अरे वो अरे यहाँ पर नंबर मत दे, अबे यार मूर्ख व्यक्ति, पहले ये पढ़। पता है मुझे, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। अरे तो अपना मूत्र पीता है कि नहीं? रोज सुबह मूत्र पीते थे, पता है मुझे। तो तुम पीते हो कि नहीं? नहीं नहीं हम नहीं पीते हैं। तो पीना शुरू कीजिए ना, तभी तो पेटेंट करवाओ कि पहले दूसरों को फायदा गिनाने से पहले खुद तो पीना पड़ेगा ना यार। भाई ये आपका टॉपिक नहीं था, आपका टॉपिक गौमूत्र पे था, मैं उसके पेटेंट के नंबर बता रहा हूँ। लो ना आप नंबर, एक नंबर नहीं, तो चार पांच आपको दे रहा हूँ। अरे अरे यार इसको क्या बोलूं, मूर्ख व्यक्ति, उसमें ये साबित करना था कि बेनिफिशियल कैसे है, वो साबित करने तुम पेटेंट दिखाने आया हमको, साबित दूसरा से सही है। उसमें बेनिफिशियल कहां यूज हो रहा है वो भी लिखा है डिटेल, सर पढ़िए तो। और भाग कर रहे हैं आपको, इधर उधर की बात कर रहे हो, टॉपिक तो साबित करना है, साबित तेरे को भाई, एग्जांपल दिखाओ इधर, क्या मूर्ख व्यक्ति यार पेटेंट दिखा रहा है, पेटेंट तो मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को क्या करवाना, रेडिकुलस चीजों को भी पेटेंट करा सकता है तू, रेडिकुलस ही है भैया। सर उसको खोल के पढ़वा दीजिए। 6 8 9 6 9 0 7 ये देखो क्या मूर्ख है यार ये, अपनी अपना भाई ये इलीगल है यहाँ पर ना नंबर अपना दिखाना भाई, ये अमित सर ने इसको शेयर किया है अभी, तो आप ये देखिए, ये है आपका 11 अप्रैल 2023 का ये न्यूज है, इसमें ये लिखा है, काउ यूरिन नॉट सेफ फॉर ह्यूमंस कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया, इंडिया टॉप एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये लिखा हुआ है, इंडियन प्रीमियर एनिमल रिसर्च बॉडी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI हैज सेड द काउ यूरिन इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज इट कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया। The study was conducted by Bareilly-based ICAR, Indian Veterinary Research Institute, IVRI. The urine samples of cow and bulls found at least 14 types of harmful bacteria, including Escherichia coli, E. coli bacterium, commonly associated with stomach infections in humans.
तो ये लिखा है भाई। अरे न्यूटन जी इसमें पढ़िए ना, भैंस का ज्यादा अच्छा होता है इसमें, ये भी है as compared to cow। हाँ पढ़िए ना इसमें है आगे। हाँ ये देखिए, conflicting the common belief, Bhoj said it cannot be generalized that cow urine has antibacterial properties. The common belief that cow urine is antibacterial can't be generalized. In no case can urine be recommended for human consumption. यानी किसी भी हालत में इंसानों को गौमूत्र नहीं पीना है। Some people say that distilled urine doesn't have infectious bacteria. We are carrying further research on it, he added. तो ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि FSAAI ट्रेडमार्क के साथ भी बिक रहा है, है ना। Meanwhile, former director of IVRI RS Chauhan told the Times of India, I have been researching cow urine for 25 years and we have found that distilled cow urine improves immunity of humans and help against cancer and COVID. This particular research was not done on distilled urine samples, which we recommend people to actually consume. अब ये देख लीजिए। तो ये research भी मतलब इन्होंने किया नहीं हुई भाई, पर किया ही नहीं, पूरा हुआ ही नहीं भाई, किया नहीं है इन्होंने, बस बोल दिया है। तो ये अच्छा न्यूटन जी, ये वाली साची, अरे इसमें देखिए ये आर्टिकल मेरे पास है, इसमें ये पूरा है, ये वाला IVRI वाला, इसमें देखिएगा इसमें वो क्या कहते हैं। देखो ये मैंने निकाल रखा था, ये बिजनेस टुडे का है, और इसमें देखिए न्यूटन जी, ये सेम वाला खबर वही है ना, काउ यूरिन अनहेल्दी फॉर ह्यूमन कंजप्शन इंक्लूड्स 40 टाइप्स ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, IVRI का है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो आप दिखा ही चुके हैं यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ पर देखिए वो कहते हैं, द फाइंडिंग्स ऑफ द पीयर रिव्यूड रिसर्च लेड बाय भोजराज सिंह अलोंग विद द 3 PhD स्टूडेंट हैव बीन पब्लिश्ड इन ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट ResearchGate पे। सिंह हेड ऑफ डिपार्टमेंट एपिडेमियोलॉजी एट द इंस्टीट्यूट टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा था, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ 73 यूरिन सैंपल्स ऑफ काउ बफेलोस एंड ह्यूमंस सजेस्ट दैट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑन बफेलो यूरिन वाज फार मोर सुपीरियर देन काउ। आप ये पढ़िए, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन बफेलो यूरिन वाज मोर फार सुपीरियर देन काउस। तो सो देखिए भैया, इसको तो फिर भाई इस हिसाब से जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है ना, वो भैंस के मूत्र में ज्यादा पाई जाती है, तो फिर वो भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो फिर उसको पीना चाहिए। यूरिन ऑफ बफेलो वाज सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव ऑन बैक्टीरिया लाइक एस एपिडर्मिडिस एंड ये रेपोंड, ये कौन सा है, रेपोंड टिकी। तो ये भाई ये तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। वो कहते हैं, ही एक्सप्लेन्ड वी कलेक्टेड यूरिन सैंपल्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ काउस, ये साहिवाल, थरपारकर एंड बिंदावनी। तो ये इन्होंने 3 प्रकार की जो गाय है ना, इनके सैंपल्स लिए थे फ्रॉम लोकल डेयरी फार्म्स अलोंग विद सैंपल्स बफेलोस एंड ह्यूमंस। आर स्टडी कैरीड आउट बिटवीन जून एंड नवंबर 2022 कंक्लूड दैट अ सीजेबल प्रपोर्शन ऑफ यूरिन सैंपल्स फ्रॉम अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स कैरी पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब भाई इस बंदे को क्या बोलूं न्यूटन जी, जरा बताओ भाई। देखिए वो कहते हैं, सिंह ऑल्सो वॉन्ट पीपल नॉट टू कंज्यूम काउ यूरिन, वो कहते भी भाई, सिंह ऑल्सो वॉन्ट पीपल नॉट टू कंज्यूम काउ यूरिन एंड एडेड दैट द कॉमनली हेल्ड बिलीव दैट द काउ यूरिन इज एंटीबैक्टीरियल कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। नोटेबली सेवरल सप्लायर्स सेल काउ यूरिन इन द इंडियन मार्केट विदाउट द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेडमार्क। तो भाई ये डायरेक्ट बिकता है, कोई फूड जो FSSAI का जो ट्रेडमार्क है ना वो भी नहीं रहता उनके पास, फिर भी बेचते हैं यूं ही भाई। तो सोचिए कितना हार्मफुल है ये। तो भाई बचो यार, ये हाल है इनका भाई, खोलो इनकी चोंच। चलेगा लगता है ये, है चलिए भी क्या, कपिल जी है, हाँ। है कपिल जी है हमारे बीच में, यार लो इनको भाई। कपिल जी यहाँ तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये तो हार्मफुल है हमारे सेहत के लिए, आप इसे कैंसर की दवाई खोज रहे थे। बरेली का रिसर्च आप पढ़ रहे थे, उसमें दोनों बातें लिखी हुई है, पूरा पढ़िए, मैंने उसको बहुत दिन पहले पढ़ा था जो रिसर्च आया था, ठीक है, जो आपने अभी बरेली वाला
पूरी पढ़ा भाई ये। हाँ दोनों बातें उसमें लिखी हैं, कंक्लूजन कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि फाइनल कंक्लूजन ले लिया। और जो भाई थोड़ा सा यूरिन जो है उसका अर्क पिया जाता है, ना कि प्योर यूरिन कंज्यूम किया जाता है। तो आयुर्वेद में उसका अर्क यूज होता है। कपिल भाई, कपिल भाई, हाँ अरे सुन लो सुन लो, आपने आपने वहां पर क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? वो रिसर्च ये कहती है कि जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है ना, वो काऊ से ज्यादा भैंस के मूत्र में पाई जाती है। तो फिर भैंस का मूत्र क्यों नहीं पीते? क्या बुरा है? तो ये बताइए ना, तो भैंस के मूत्र क्यों नहीं पीते? आप सुनिए, आप छोटी सी बात मेरी भी सुन लीजिए थोड़ा। आप लोग तो भैंस का मूत्र क्यों नहीं पीते हो? फिर काऊ यूरिन पे पेटेंट क्यों लिया? अरे मैं पूछ रहा हूँ, काऊ यूरिन पे पेटेंट क्यों करवाया? भैंस के मूत्र पे भी करवा लो, अभी बाकी है तुम्हारे लिए, करवाओ ना भाई जाके। अब जब बातें तो फिर क्या बहस करना, बात मेरी भी सुन लो दो मिनट। अरे तो लॉजिकल बात करो ना मेरे भाई, कपिल भाई, कपिल भाई हम बोले थोड़ा ना, अगर इजाजत हो तो बोले। अरे अरे भाई पहले थोड़ा ना लॉजिकल बात करो। जिलेटिन जानते हैं? जिलेटिन बिल्कुल जानते हैं। जिलेटिन सुना है ना? वो जानवर के हड्डी से निकाल कर बनाया जाता है, जिसका की कैप्सूल के ऊपर का वो जो कवर है वही है जिलेटिन। तो कितने जानवरों के शरीर से निकाला जाता है, अरे वो भाई मानव के लिए अच्छा है तो वो निकाल के, क्योंकि जिलेटिन और कहीं से मिलना नहीं है। जिलेटिन का बात कहां से आया? जिलेटिन वाली बात ही नहीं हो रही मेरे। मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ काऊ यूरिन को ही, भाई अभी जाइए इंडिया के अंदर इतने स्टोर्स हैं, आप जाइए किसी भी स्टोर पे पूछिए कि भाई मुझे भैंस का मूत्र चाहिए, नहीं मिलेगा। गौमूत्र कह दीजिए तुरंत मिल जाएगा। तो भाई आप लोग मूत्र क्यों नहीं बेच रहे हो फिर? तब हम क्या बताएं? आप बेवजह के खाली तर्क करेंगे तो उसका कोई भाई, ओ भाई कपिल जी बात यहां पर ये क्या है यार, मतलब कि आप अनपढ़ हो क्या यार? मतलब मैंने आपको क्या दिखाया भाई? गौमूत्र, हाँ। और भाई देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या दिखाया यार, ये देखिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सिंह ऑल्सो वॉन्ट पीपल नॉट टू कंज्यूम काउ यूरिन। भाई वो ये चेतावनी दिए कि काउ का मूत्र, गाय का मूत्र मत पियो। भाई ये कैसी बात कर रहे हो भाई? यहाँ पर थोड़ा पढ़ भी लिया करो। ये जो जो दुकानों में आपको मिलता है ना, जो सप्लायर्स काऊ यूरिन बेचते हैं वो इंडियन मार्केट में, वो बिना किसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेडमार्क के बिना बेचते हैं। उनके पास कोई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का वो नहीं रहता ट्रेडमार्क, यूं ही बेच देते हैं, चाहे वो किसी के लिए वो जानलेवा क्यों ना हो जाए। है ना यार, क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो यार। और यहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर तो ये इस चीज को कितनी बार दिखाऊं, वो कहते हैं बफेलो एंड ह्यूमन सजेस्ट द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन बफेलो यूरिन वाज फार मोर सुपीरियर देन काउज। तो भाई फिर भैंस का मूत्र क्यों नहीं बिच रहा भाई? भैंस का मूत्र मार्केट में बिकवा, उस पर भी पेटेंट लो। अच्छा अच्छा जी, इन्हीं से पूछ लेते हैं ना, गौमूत्र का इतना बखान कर रहे हैं, गौमूत्र पीने से क्या फायदे हैं आप बता दीजिए भाई। मैं फायदा नुकसान की बात करने नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसके भी बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सुबह उठिए गिलास में ले लीजिए, शरबत बना के पी जाइए, मैं ऐसा कहने नहीं आया हूँ यहाँ। मैंने बोला उसमें भी बेनिफिट्स हैं। आप पैरासिटामोल खाते हैं आपका बुखार ठीक हो जाता है, तो गौमूत्र में क्यों पियूं, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा उससे, ये बताइए ना। नहीं, वो आप साल में खाएंगे, गिलो खाएंगे तब भी बुखार खत्म हो जाएगा। ये गिलोय जो है बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपके लीवर पे इफेक्ट करता है। वो गलत, वो चूंकि एलोपैथ वालों का रिसर्च वैसे है। कपिल जी समस्या यही है ना, सस्ती ये जो जुगाड़ वाली जो पद्धति है ना, इससे हमारा देश बहुत बर्बाद हो रहा है। बॉस आप बुरा, आप लोग पता नहीं क्यों अन्यथा में देते हैं। कपिल जी गिलोय जो है और गौमूत्र जो है, इतने साल से हमारे यहाँ गिलोय और गौमूत्र काम चलता है, क्या आपके पास कोई मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ उसके द्वारा कोई टेस्ट है आपके पास, कोई टेस्ट पेपर है आपके पास? इतने पेशेंट के ऊपर टेस्ट किया गया और रिजल्ट ही आया, कुछ है आपके पास? अब आपको एक कालमेघ आपने सुना है, चिरायता जिसको बोलते हैं, आप उसका सर्च करिए, पीजीआई चंडीगढ़ में रिसर्च हो रहा है, एंटी डेंगू पाया गया है, वो एंटी डेंगू में काम कर रहा है, करिए रिसर्च हो रहा है पीजीआई वहां, कुटकी लीवर के लिए रिसर्च, जब वो रिसर्च हो जाएगा मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको दे रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है उसको, कुटकी का रिसर्च फॉर लीवर, ठीक है, पुनर्नवा फॉर किडनी,
ये सब रिसर्च चल रहे हैं, इसको आप इसको सर्च बंद करिए, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसका मुंह तो बंद करो न्यूटन जी इसको। देख भैया ये क्यों यार लोगों को, देखो किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना बेकार चीज है। ये देखो ये न्यूटन जी 2020 का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 2020 का आर्टिकल है और यहाँ पर ये देखिए कोरोना वायरस स्केयर इन कोलकाता गौमूत्र लैंड्स कॉप इन हॉस्पिटल लोकल बीजेपी ऑर्गेनाइजर बिहाइंड वार्स। तो यहाँ पर ये पुरानी खबर है, देखिए 34 ईयर ओल्ड होमगार्ड हु हैड हिज फर्स्ट सीप ऑफ काउ यूरिन इन अ नॉर्थ कोलकाता नेबरहुड ऑन मंडे वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल ऑन ट्यूजडे आफ्टर द कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग एंड नॉजिया। तो भाई ये देखिए कि उसने काउ का यूरिन पिया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, ये होमगार्ड का जवान था। अरे यार मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब सोचिएगा कि इनका बुद्धि कहाँ जा रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं यार, वो भाग गया क्या ये? हाँ चलेगा, ये बोले कि क्या ही बात करें, हम लेके गौमूत्र पी के ही सो जाते हैं। नहीं असल में यार देखो आप कम से कम कोई फैक्ट लेके आओ, वो बात अलग है, लोग बीमार पड़ रहे हैं यार गाय का मूत्र पीने हाँ। के बाद और... मत पियो भाई, पीना है तो आप संतरे का जूस पी लो, सेब खा लो, मौसम्बी का जूस पी लो, यार गाय का मूत्र क्यों पीना है, मतलब इतना कुछ है खाने पीने के लिए। नहीं और फिर रिसर्च तो भाई, रिसर्च में फाइंडिंग्स तो ये कह रहे हैं कि भाई भैंस का मूत्र ज्यादा बेनिफिशियल है, गाय के मूत्र से ज्यादा ही अच्छा है फिर तो वो, है ना।